नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नम्रता। खबर अयोध्या से है। मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण का खर्चा न उठाने वाले बेटे के खिलाफ एक मां ने मोर्चा खोल दिया है। अब वो अपने ही बेटे की नौकरी की सेवा समाप्त किए जाने को लेकर लोक निर्माण विभाग में आमरण अनशन पर बैठ गई है। जिले के हैदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मनोपुर की रहने वाली तीर्था देवी ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसके पति आखंड प्रताप सिंह लोक निर्माण विभाग में बेलदार पद पर कार्यरत थे, जिनकी 19 मार्च 2021 को मृत्यु हो गई। उसका आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित कोटे से उसके बेटे संजीव कुमार सिंह को विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी मिली। नौकरी से पहले बेटे ने उसका व परिवार के अन्य सदस्यों के भरण पोषण के लिए शपथ पत्र दिया था, लेकिन अब वह मुकर रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि इससे पहले उसने विभागीय अधिकारियों को बेटे की नौकरी से सेवा समाप्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नौकरी की सेवा समाप्ति की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने अब लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पीड़िता का कहना है कि विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा नाम तीर्था देवी, ग्राम मनोपुर, मनोपुर से आ है, ग्राम मनोपुर पोस्ट थाना हैदरगंज और तारुण ब्लॉक जिला अयोध्या से आ है। हमारे पति यहाँ नौकरी करे थे, बेलदार के पद पर नौकरी पाए हैं, वो ख़त्म हुई हैं, तो इनका नौकरी दई गए से संजीव कुमार का नौकरी दे है, तो हमार कुछ देख रेख ना करते हैं, ना हमारे लड़की के शादी करे तैयार हैं, ना कुछ हमार उकरत हैं, तो इनके नौकरी इनका नौकरी से बर्खास्त कर जाए और जौन बा हमार कोनो ना करते हैं, हमें हम अनशन कहके हम ही मर जाब, खाए बिना पियासन मर जाब, लेकिन हम यहाँ से जाब ना, अपन आत्महत्या कर देवे या तो हमारी नौकरी इनके इनका नौकरी से बर्खास्त की जाए। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।